हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इट इज ऑल्सो इन न्यूज रिसेंटली एंड दैट इज डैम चौक सेक्टर। इट इज इन न्यूज बिकॉज ये चाइनीज सोल्जर और द PLA सोल्जर आइडेंटिफाइड एज कॉरपोरल वांग याल लॉन्ग हैड स्ट्रेड अक्रॉस द LAC एंड टेकन इनटू इंडियन कस्टडी बाय इंडियन आर्मी ऑन मंडे 19th October। आफ्टर दैट ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड मेडिकल असिस्टेंस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन फूड एंड सम वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एक्सट्रीम अल्टीट्यूड एंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, तो ये जो चाइनीज सोल्जर था मंडे को ये इधर ईस्टर्न लद्दाख के जो डैमचौक सेक्टर है वहाँ पे आज उसको वापस इंडियन अथॉरिटीज ने रिटर्न बैक टू द चाइनीज साइड। इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है टॉपिक है जो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है, हमें इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये तो बायलेटरल टॉक्स होती है, काफ़ी टाइम से इंडिया चाइना के बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है और उस पर बात भी हो रही है, डिफरेंट लेवल्स पे टॉक चल रही है उस पर है। जो अभी आपने UPSC प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। तो अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स है वहाँ पे आपको ये डैमचौक सेक्टर या इससे जो नियर एरियाज है, चुमार है या कारगिल है या और DOB है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक्चुअली में ये डैमचौक सेक्टर है कहाँ, जो डैमचौक सेक्टर है सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है और ये डैमचौक विलेज है लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख साइड है। फिर आपको इसमें पढ़ना है ये दो रिवर्स है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन दो रिवर्स के बारे में पढ़ना है कि ये रिवर्स कहाँ हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चारडिंगनुला और इंडस रिवर इनके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ये आप जरूर पढ़ना इनका है। जो ठीक है, ये LAC की बात है क्योंकि जो डैमचौक है वो चाइना भी क्लेम करता है, इंडिया भी क्लेम करता है, डिस्प्यूटेड रीजन है LAC पे। अब ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड में दे बताया है कि ये जो चारडिंगनुला है ये इसके बारे में डिटेल में बताया है। इट वाज मेंशन्ड बाय द नेम लाहरी स्ट्रीम इन ए ट्रेटी बिटवीन किंगडम ऑफ लद्दाख एंड द गंडन ओडरंग गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन 1684। अभी तो ये चाइना की वजह से काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन हो गए हैं, तिब्बत हो या फिर ये डैमचौक हो, LAC पे काफ़ी जगह डिस्प्यूटेड रीजन्स क्रिएट हो चुके हैं। आप यहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं, बाकी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। और ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी आज ये जो चाइनीज सोल्जर था इसको वापस चाइना को रिटर्न कर दिया है इंडियन आर्मी ने। दो चीज़ें इसके बारे में हैं, ये ज़रूर पढ़ना, चारडिंगनुला और इंडस रिवर, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं वो मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है जो चाइना को मेन प्रॉब्लम है जिस जगह से, वो ये है दौलत बेग ओल्डी रोड है ये, जिसको DBO रोड बोलते हैं, और इसको है जो एक्चुअल में DSDBO रोड बोलते हैं, दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये अक्साई चीन है जो इस साइड पे पड़ता है और हम इससे ऊपर इधर हैं, यहाँ तक इंडिया ने 2019 में रोड कंप्लीट कर लिया है। तो चाइना को यही प्रॉब्लम है कि हम उनके ऊपर जाके बैठ गए हैं DSDBO में। चाइना इसलिए क्लेम करता है, वो अब तो काफ़ी डिस्प्यूटेड है जो स्टेटमेंट जारी कर रहा है, वो लद्दाख हमारा है, अरुणाचल हमारा, इस तरह के करता रहता है चाइना। लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है एक्चुअल में ये है और यहाँ तक इंडिया ने रोड बना रखा है, सियाचिन ग्लेशियर इधर है, वहाँ पे भी हमारी आर्मी है।
आप देखेंगे गलवान वैली पे क्लैश हुआ था, ये गलवान वैली है और ये इधर शौक रिवर है, ये पेंगोंगसो लेक है जहाँ पे अभी भी चल रहा है, ये लेह है इधर, ये डरबुक है, ये कुछ प्लेसेज हैं, लोकेशन है जहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको इन जगहों के एक एक के नाम गूगल करके और आपको इनके बारे में थोड़ा सा चार चार पांच पांच लाइन के डिटेल नोट्स या फिर मैप में देख के और याद रखना है, ठीक है। ये एक टॉपिक है जिसका बताना था कि भई ये जो एक तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, नहीं तो फिर आने वाले एक दो और नेक्स्ट कमिंग डेज में हम मैं इसको कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।